dust. चेन्नई सुपर किंग्स लूजिंग अनदर विकेट. नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज. IPL 13 के सातवें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद इस टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार दूसरी जीत है. इससे पहले भी दिल्ली कैपिटल्स ने CSK को हराया था. दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 13 के सातवें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से करारी शिकस्त दी. दिल्ली के लिए इस टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है. इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की ओर से दिए गए 176 रनों के लक्ष्य के जवाब में CSK की टीम 20 ओवर में 131 रनों का स्कोर ही बना सकी. दिल्ली की तरफ से कगिसो रबाडा ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए. चेन्नई की ओर से हाई स्कोरर बल्लेबाज फेब डू प्लेसिस रहे, जिन्होंने 43 रनों की पारी खेली. मालूम हो इस मुकाबले में दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शॉ ने ताबड़तोड़ 64 रन बनाए. IPL 2020 के सातवें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से पराजित करके अंक तालिका में नंबर 1 के पायदान पर अपनी जगह बनाई. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को फेब डू प्लेसिस के रूप में बड़ा झटका लग गया है. डू प्लेसिस को 43 रन पर कगिसो रबाडा ने पेवेलियन भेजा. दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर एनरिच नोर्तजे ने CSK के सेट बल्लेबाज केदार जाधव को 26 रनों पर पगबाद आउट किया. दिल्ली के 176 रनों के लक्ष्य को पाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी 5 ओवरों में 81 रनों की जरूरत थी. दिल्ली कैपिटल्स ने पावर प्ले के दौरान सधी शुरुआत की है. टीम ने पहले 6 ओवर में सुरक्षात्मक खेल दिखाते हुए बिना किसी नुकसान के 36 रन बनाए. ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज. क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज.